हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ केवल 5 ब्रेड से पूरे परिवार के लिए बर्फी। इसे हम बनाएंगे बिना गैस जलाए और बिना मावा बिना चाशनी के। यह मात्र 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं ब्रेड की बर्फी। इस बर्फी को मैं केवल 5 ब्रेड से बना रही हूँ और ये बर्फी इतनी टेस्टी होगी कि आप इसे हर रोज बनाकर खाना पसंद करेंगे। और बनाना इसे ब्रेड की बर्फी को बनाने से पहले हम ब्रेड के साइड के जो कॉर्नर हैं इन सब को कट कर लेंगे चाकू की हेल्प से या सीजर की हेल्प से। साइड के कॉर्नर कट करेंगे तो आपकी जो बर्फी है उसका कलर काफी अच्छा निकल कर आएगा। यह इजीली कट जाते हैं और आप इन साइड के किनारों को फेंकेंगे नहीं। इनसे हम कोई नई रेसिपी बनाएंगे और मैं आप सबके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। और चाहे तो आप इसके ब्रेड क्रम भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैं सभी साइड के कॉर्नर कट कर लूंगी। इस तरह से मैंने सभी ब्रेड के साइड के किनारों को कट कर लिया है। अब हम लेंगे मिक्सी का जार। अब हम करेंगे इसे ग्राइंड। इस तरह के मिक्सी के जार में मैं ब्रेड को तोड़कर डाल दूंगी। आप इसे कट करके भी डाल सकते हैं। यह इजीली ग्राइंड हो जाते हैं। इस तरह से इसको तोड़कर आप इसमें डाल दें। अब करेंगे इसे ग्राइंड। इस तरह से मैंने मिक्सर जार में से ग्राइंड कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। जिस भी बर्तन में आप मिक्सर को डाल रहे हैं वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि हम उसे इजीली मिक्स कर सकें। अब मैं डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं आधा कटोरी चीनी ले रही हूँ, अंदाजे से 5 से 6 चम्मच। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 4 से 5 बादाम और 9 से 10 काजू। ये इस बर्फी के टेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। साथ में डालूंगी 1 पिंच इलायची पाउडर। यदि आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 1 से 2 इलायची की साबुत डाल सकते हैं। और यदि आप इसे लाइक नहीं करते तो आप पूरी तरह से इसे हटा भी सकते हैं। इस तरह से मैंने चीनी, बादाम और काजू को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। जिस मिक्सिंग बाउल में हमने ब्रेड क्रम को डाला है उनमें मैं इस पाउडर शुगर को भी ऐड कर दूंगी। इस रेसिपी को मैं बिना किसी मावा के, बिना चाशनी के, बिना गैस जलाए मात्र 4 से 5 मिनट में बनाकर तैयार कर दूंगी। ये रेसिपी आप तुरंत बनाकर जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो तुरंत बनाकर इसे खा सकते हैं। और यदि आपके घर मेहमान आ जाए तब भी आप इसे 5 मिनट के अंदर बनाकर खिला सकते हैं। इसी मिक्सर के अंदर मैं डालूंगी 4 चम्मच मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर इस बर्फी को एकदम मावा जैसा टेस्ट देगा। इसे डालना, यदि आपके पास यह है तो आप इसे जरूर डालें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें। ये जो बर्फी है यह घर के ही कर तैयार हो जाती है और खाने में यह एकदम लाजवाब होती है। बच्चे भी इसे काफी लाइक करते हैं। अब इस मिक्सर को चम्मच की हेल्प से मिक्स कर दीजिए।
मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इस बर्फी का टेस्ट काफी अच्छा लगता है खाने में। अब मैं लूंगी मलाई। आपके पास यदि मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह ठंडा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप मलाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मलाई एकदम फ्रेश इस्तेमाल करें, वरना आपकी जो मिठाई है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब डालते हैं इसके अंदर मलाई। मलाई को हम धीरे धीरे करके 1 से 2 चम्मच स्टार्टिंग में डालेंगे। यदि हमें नीड होगी तो हम और मलाई का इस्तेमाल करेंगे। ये मलाई दूध के साथ उतारी हुई है, अब इसे मिक्स करेंगे। आप चम्मच से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ से मैं इसे डो की फॉर्म पे तैयार कर लूंगी। हमें इसका वैसा ही डो तैयार करना है जैसा कि हमारा चपाती का बनता है। हमें इसे लूज बिल्कुल भी नहीं करना, इसीलिए आप मलाई को धीरे धीरे करके डालें। यदि आप एक साथ डालेंगे तो आपकी जो बर्फी है वो शेप नहीं ले पाएगी। यह 2 से 3 चम्मच में ही रेडी हो जाता है। और यदि आप लाइक करते हैं तो आप इसमें नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें नारियल का बुरादा ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरे घर पे उसे कब लाइक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यह बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब यह हमारा डो तैयार हो गया है। अब मैं लूंगी इस तरह का एक बॉक्स। आप इसकी जगह किसी केक टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने बटर पेपर को लगा लिया है, ऊपर से थोड़ा घी भी ग्रीस कर दिया है। अब मैं लूंगी कुछ कटे हुए पिस्ता। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे बिना पिस्ता के भी बना सकते हैं। इस बॉक्स के नीचे इस तरह से फैला दीजिए। अब मैं डालूंगी तैयार किया हुआ बर्फी का मिक्सर। इस मिक्सर को इस बॉक्स के अंदर हम सेट कर देंगे। इस बर्फी को हम बिना गैस जलाए, बिना चाशनी के, बिना मावा के तैयार कर रहे हैं। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब स्पैचुला की हेल्प से मैं इसे अच्छी तरह से सेट कर दूंगी। इस तरह से आप इसे इक्वल सेट कर लीजिए, यह इजीली सेट हो जाती है। अब मैं इसे डीप फ्रीजर में 5 मिनट के लिए रख दूंगी। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत निकाल कर भी खा सकते हैं। चलते हैं फ्रिज में रखें। अब हमारी मिठाई को जमे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसे डीमोल्ड। इसके लिए मैं लूंगी एक इस तरह की एक प्लेट। इसमें मैं इस बॉक्स को कर दूंगी। इसे हम पलट लेंगे इस तरह से और हल्का सा इसे टैप करेंगे। इससे यह इजीली बाहर निकल आएगी। इस तरह से बॉक्स से हमने मिठाई को अलग कर लिया है। अब जो बटर पेपर हमने इसके ऊपर लगाया था उसे भी हम हटा लेंगे। इस तरह से मैंने बटर पेपर को इसके ऊपर से हटा लिया है। अब मैं लूंगी इस तरह की रोज पेटल्स।
यदि नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। इससे हमारी जो बर्फी है वो लुक वाइज भी काफी अच्छी दिखाई देगी। इस तरह से लगा दीजिए, पैचुला से इसे प्रेस कर दीजिए ताकि ये जो हमारी पेटल है ये उतरे ना। अब मैं लूंगी नाइफ। नाइफ से आप किसी भी शेप में से कट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बीच में कट लगा लूंगी इस तरह से। अब दूसरी साइड से भी मैं पीस अपनी चॉइस से आप कट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बर्फी के पीस को कट कर लिया है। अब मैं लूंगी इस तरह की एक सर्विंग प्लेट। इसमें हम इन बर्फी के पीसों को सर्व करेंगे। इस तरह से हम सभी बर्फी के पीस इस सर्विंग प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो बर्फी है वो कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से आप भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से आप सभी बर्फी के पीस इस सर्विंग प्लेट में रख लीजिए। केवल 4 से 5 ब्रेड में ही हम पूरे परिवार के लिए ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बर्फी को बनाकर तैयार कर लिया है। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की नई नई रेसिपीज मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।